माय न्यू ब्लॉग और आप सब लोगों को स्वागत है रिपी ब्लॉग्स में। तो आज अभी हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर पर। मंदिर का नाम क्या है मुझे पता नहीं, अभी किसी को पता नहीं मंदिर का नाम क्या है। जाते हैं और आप सब लोगों को बताते हैं कि मंदिर का नाम क्या है। तो चलो जाते हैं, डिटेल्स में बाद में बताऊंगी आप सब लोगों को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कौन से मंदिर पे जा रहे हैं। चलो अभी निकल जाते हैं अंदर। गाइस क्या बताऊँ, बारिश को भी अभी आना था, मतलब इतना बारिश आया था इसलिए हम लोगों को लेट निकलना पड़ा घर से। और अभी हम लोग ओवरब्रिज के ऊपर है, अभी बस से उतर चुके हैं और ओवरब्रिज से जाना पड़ता है मंदिर में। तो हम सब लोग अभी ओवरब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं है, अंदर ले जाना, बाहर जितना दिखाना है दिखा लो, लेकिन अंदर मना है क्योंकि अंदर सोने का मूर्ति है, सोने का दरवाज़ा है, सिल्वर का भी दरवाज़ा है, बहुत कुछ है इसके अंदर, इसलिए नहीं दिखा सकती। ये एक मंदिर है और ये एक साइड में छोटा सा मंदिर है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ें आप लोग नहीं देखा, मतलब मैं क्या कोई भी नहीं देखा सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो सोने की चीज़ें हैं। मैं पागल हो चुकी हूँ देखकर, इसलिए मेरी बोलती बंद हो चुकी है, इतने सारे सोने और सिल्वर की चीज़ें हैं इसके अंदर, मैं क्या बताऊँ आप सब लोगों को। और इस मंदिर में आने के बाद मेरे मन तो एकदम शांत हो गया और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रहा है ना मंदिर में, क्या बताऊँ आप सब लोगों को। मेरी आवाज़ आप सब लोगों को आ रही है कि मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत ज़ोरों से बात कर रही हूँ, बहुत जोर लगा के बात कर रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ मेरी ज़ोर से आ रही है या क्या नहीं। और तो चलो आप लोगों को इस साइड का व्यू दिखाते हैं, क्या करूँ मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है कैमरा, तो ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, तो चलो व्यू साइड का व्यू दिखाते हैं आप सब लोगों को। इसके अंदर नहीं जा सकते, नो एंट्री बोर्ड लगा हुआ है, साइड खोला है लेकिन नो एंट्री लगा हुआ है, इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे इसके अंदर। वो इस साइड से व्यू देख लो, ये एक म्यूजियम है, टाइमिंग्स 9 to 11 AM, 4 PM to 7 PM, लेकिन अभी ये बंद है, टाइम लिखा हुआ है लेकिन तब भी बंद है, पता नहीं क्यों।
चलो अभी हम लोग फोटोज वगैरह खिंचवा लेते हैं, इसके बाद आप सब लोगों से बात करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और अभी हम लोग ये सोन पापड़ी खा रहे हैं। बाल से गिरा और बिस और बिस्तर में सबके लिए और यहाँ से मंदिर से पैदल आई हूँ क्योंकि मंदिर सामने पड़ता सामने था इसलिए। तो जाने के वक्त हम लोग बस से गए थे क्योंकि बारिश हो रहा था इसलिए बस से गए थे और आने के वक्त बारिश नहीं था इसलिए हम लोग पैदल आए। तो पैदल आने के बाद गप्पे शप्पे करके आए, वीडियो करना मैं भूल गई रास्ते पे। तो अभी मुझे मुंह धोना है
पूरा फ्रेश होना है। चलो अभी एकदम से फ्रेश हो गई और हम सब लोगों ने मिलकर अभी पिज्जा ऑर्डर किया है, तो अभी पिज्जा आने वाला है, 24 मिनट्स बाकी है और अभी खाएंगे पिज्जा। चलो खाते। फाइनली आ गया जोमेटो का पिज्जा, हम लोगों ने ऑर्डर किया था। सब लोग आए हैं, देखो पिज्जा लेकर। कहाँ है पिज्जा? ये देखो पीछे पीछे। तो गाइस आप सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।